अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है वो है क्लीना जेल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये इस पर बहुत सारे रिव्यूज़ जो हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, और मैं भी एक हॉनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लीना जेल जो है ये एक एंटीबायोटिक जो है वो ट्यूब है। किसके लिए है ये? पिंपल्स के लिए और जो स्वेद किस्म के दाग धब्बे हैं उनके लिए भी। वैसे तो ज़्यादातर ये दाग धब्बों के लिए यूज़ नहीं होती, पर मैंने यूज़ करके देखी तो इससे दाग के जो निशान हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इस जो जो ट्यूब है ये किसी भी फार्मेसी से आपको इजीली मिल जाएगी, और इसकी जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़। एक ट्यूब आप देख सकते हैं कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और ये है दूसरी ट्यूब इसकी, जो जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह, और ये मैं आपके सामने अभी ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये अंदर से ऐसे ही है। साथ में इसके एक पंफलेट भी दिया होता है जिसके ऊपर इसकी जो सारी डिस्क्रिप्शन और इंडिकेशंस है वो हैं, और अंदर से ये इतनी होती है, और ये काफ़ी सारी और काफ़ी टाइम के लिए चल जाती है। अगर आपने ये लेनी है तो किसी अच्छी फार्मेसी से लीजिएगा, क्योंकि जो नकली है उसमें ज़्यादातर हवा ही भरी होती है। और इस ट्यूब का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100 रुपीज़ की ट्यूब है, और ये अक्सर सस्ती चीज़ें जो है वो साइड इफेक्ट देती हैं और कोई फ़ायदा नहीं देती, लेकिन ये वाकई लाइफ सेविंग ट्यूब है, और इसका जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर 100 रुपीज़ में आपके जो स्वेर किस्म के और वो जो गंदे वाले पिंपल्स होते हैं वो 1 वीक से भी पहले, अगर किसी के बहुत बुरे हैं और 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हो गए नहीं जा रहे, तो वो 1 वीक के अंदर अंदर चले जाते हैं। मेरे फेस पे ब्रेकआउट हुआ था और मेरे 2 मंथ्स से बहुत बुरे किस्म के पिम्पल्स थे, जो कि सिर्फ इस 100 रुपीज़ की ट्यूब से सही हो गए। और ये आप देख सकते हैं मैंने एक ट्यूब यूज़ की है जिससे मेरे पिंपल्स चले गए, और अब एक जो मैं यूज़ कर रही हूँ जो हल्के हल्के कहीं पिंपल्स के निशान हैं उनके ऊपर। इसको पूरे फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसको ऐसे कि अपना फेस आप सिंपल सोप, फेस वॉश या जिससे भी आप वॉश करते हैं वॉश करके जस्ट थोड़ी सी लेनी है। और आप देखेंगे इस तरह अंदर से बंद है, मैं आपके सामने इसको ओपन कर रही हूँ। मेरी ये सेकंड ट्यूब है, जबकि मुझे सेकंड ट्यूब की इतनी ज़रूरत नहीं, मेरी फर्स्ट से ही काम हो गया। जस्ट थोड़ा सा एक डॉट लेना है आपने इस तरह, ये मैंने एक डॉट लिया है। आई थिंक ये बंद है अंदर से, अभी भी इनसे ज़्यादा लग गई है। तो मेरे तो फेस पे खैर काफ़ी जगह पे पिंपल्स हैं, तो एक डॉट लेके जहाँ भी आपका पिंपल है वहाँ पे हल्का सा लगा के सर रब कर देना है, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी, और ये पूरी नाइट लगा रहे। अच्छा, जब ये ट्यूब यूज़ करनी है तो आप कोई और नाइट क्रीम, और कोशिश करें कि कोई और क्रीम यूज़ मत करें, क्योंकि उससे जो है ये अपना असर नहीं करेगी। बस फेस वॉश करें और 1 वीक यूज़ करें, इंशाल्लाह। मुझे तो 3 दिन के अंदर अंदर ही डिफरेंस नज़र आ गया था। दाने एक रात मैंने लगाए और सुबह उठ के जब मैंने देखा तो मेरा जो दाने हैं वो बैठ गए थे, और जो तीसरे दिन वो ड्राई होके खुद ही गिर गए, और उसके बाद दोबारा नहीं हुए। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी, 100 रुपीज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा। सम टाइम सस्ती चीज़ फ़ायदा दे रही होती है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, यह हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट है। बिकॉज जो मेरी सिस्टर्स हैं उनकी भी इसी तरह कॉम्बिनेशन किसी की स्किन हो, उन सब ने भी यूज़ किया, उनको इतनी महंगी कॉस्टली क्रीम से इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना इससे पड़ा है। तो मैं आप लोगों को ये जो क्लीना जेल है ये सजेस्ट करूंगी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।